और ओलंपिक्स में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके बजरंग पुनिया, घुटने की चोट ना होती तो वहां पे ये गोल्ड मेडल के भी प्रबल दावेदार थे, और यहां भी गोल्ड मेडल के प्रबल दावेदार हैं बजरंग पुनिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में दो ब्रॉन्ज मेडल, एक सिल्वर मेडल, एशियन गेम में एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज, कॉमनवेल्थ में डिफेंडिंग चैंपियन। और दर्शकों का कोलाहल सुनिए, शोर सुनिए, समर्थन सुनिए जो इस स्टेडियम में बैठे हैं, और आप जो घर पे बैठे हैं सोशल मीडिया पे अपना प्यार दिखाइए, समर्थन कीजिए भारतीय एथलीट्स का, चाहे वो रेसलर हों, चाहे वो वेट लिफ्टर हों, चाहे वो पैरा एथलीट्स हों, चाहे वो हॉकी टीम्स हों, क्योंकि आपके मैसेज उन तक पहुंचते हैं। यकीन मानिए जब सारा भारत अपने एथलीट्स के पीछे होता है तो एथलीट्स को मनोवैज्ञानिक लाभ मिलता है। बजरंग पुनिया क्या पहला अटैक वो करेंगे, समर्थन पूरी तरह से बजरंग के पास है। पहली वार्निंग कैनेडियन को मिली है, हालांकि कैनेडियन रेसलर कद काठी में लंबे हैं, लेकिन बजरंग पुनिया लगातार उनको खींच रहे हैं, भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, और इसीलिए वार्निंग दी है कैनेडियन रेसलर को। लगातार बजरंग पुनिया उन्हें मौका ही नहीं दे रहे हैं। बहुत नजदीक से कुश्ती लड़ने में माहिर जाने जाने वाले भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया, ये देखिए दूसरी वार्निंग हो गई, बहुत कम सेकंडों में, एक मिनट में ही उन्होंने एक्टिवेट टाइम में लाके खड़ा कर दिया। यानी कि अगले 30 सेकंड में अगर मैकनील को कोई पॉइंट नहीं मिला तो बजरंग को अपने आप पॉइंट मिल जाएगा, ये भी एक रणनीति होती है। और बजरंग ने फिलहाल उन्होंने ये अटैक किया है, पॉइंट लेना है मैकनील को, यहां से कौन सी पोजीशन बना पाएंगे बजरंग पुनिया, फिलहाल तो बच रहे हैं मैकनील, 10 सेकंड बाकी, नहीं तो भारत का खाता खुलेगा। गोल्ड मेडल मैच तक पहुंचे जरूर हैं, लेकिन बजरंग के सामने अभी तक, और बजरंग का सिंगल लेग अटैक है दोस्तों, क्या यहां से टेक डाउन बना पाएंगे, एक पॉइंट तो बजरंग का पक्का है क्योंकि एक्टिविटी टाइम में मैकनील को कुछ नहीं मिला। ये लीजिए टेक डाउन किया, दो पॉइंट, और इसके बाद अब गट रेंज की तैयारी या फीतले, मैकनील को अब अपना डिफेंस बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि बजरंगी भाईजान जब आपको पकड़ लें तो छोड़ते नहीं है। अब तक अच्छा मैच डिफेंस है मैकनील का, अब तक इन्होंने वो छिपकली वाला डिफेंस किया है बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। बजरंग पुनिया जैसे शक्तिशाली पहलवान के सामने आप ईरानी टेक्निक से बच जाओ, बांधने ही नहीं दो, ये काबिले तारीफ है कैनेडियन रेसलर। लेकिन लीड बजरंग के पास है, 3 पॉइंट से आगे हैं और अभी भी 4 मिनट का टाइम बाकी है, गोल्ड मेडल अभी जीतना है भारत को। बजरंग क्लियर कट फेवरेट हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं समझता हूं बजरंग को शांति नहीं है, 3 पॉइंट से उनको शांति, और यही प्रतिभा दिखाती है, लगातार पुल पुश कर रहे हैं, टांग काटने का प्रयास किया, लेकिन टेक किया, जोन से बाहर एक अंकोर, 4-0 पर मुकाबला पहुंचा दिया, लेकिन बजरंग यहां भी नहीं ठहराओ रखेंगे, पूरे मैच को, पूरी कुश्ती को कॉमनवेल्थ में 0 के मुकाबले 10-0 से हराना चाहते हैं। बजरंग पुनिया की मंशा साफ नजर आती है। तनेजा 4-0 से एक बाउट जीता, 6-0 से दूसरा, 10-0 से तीसरा, एक भी पॉइंट अब तक बजरंग ने ड्रॉप नहीं किया है। और बिल्कुल आपने सही कहा कृपा भाई, यहां शांति नहीं, यहां क्रांति होनी चाहिए पॉइंट्स की, और बजरंग उसमें 100% खरे उतर रहे हैं। पहला राउंड समाप्त होने की तरफ है, लीड बजरंग की है, क्या और बढ़ा पाएंगे इन बचे हुए 9 सेकेंड्स में। मैकनील अभी तक उनके मुकाबले 19 ही साबित हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और पहला राउंड समाप्त होने पर 4-0 की बहुत बड़ी नहीं तो एक मजबूत लीड बजरंग पुनिया के पास। और ये सुजीत मान भारत के अर्जुन पुरस्कार विजेता रेलवे कुश्ती टीम के कोच हैं, अभी बजरंग के कोच हैं, और ये देखिए किस तरह से पैर पकड़ के सम्मान के साथ बाहर ले आ रहे थे, लेकिन रास्ते में इरादा बदला, टेक डाउन किया 2 अंक के लिए, और ये पांव किस तरह से पैर को काटने का प्रयास किया, जोन से बाहर 1 अंक और। और अगला राउंड जो लास्ट राउंड है 3 मिनट का, वो भी बहुत प्रभावशाली तरीके से बजरंग पुनिया खेलेंगे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि बजरंग पुनिया का स्टेमिना लाजवाब है, ये रेसलर भी लाजवाब है भाई, शिष्य हैं योगेश्वर दत्त के, उनको अपना गुरु अपना आइडल मानते हैं, और उन्हीं के अंदाज में
बजरंग पुनिया यहां गोल्ड लाने की कोशिश करेंगे। डिफेंडिंग चैंपियन है, 2018 के भी ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और पहला लेग अटैक मैकनेल का, ये भी आसानी से छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम भारतीय, ओ उनको अपने ही दाव में उलझा लिया है बजरंग ने। गर्दन पकड़ में है, दोनों बाजुएं पकड़ में है, अब छूटे दोबारा से न्यूट्रल पोजिशन। और बहुत अच्छा किया है उन्होंने, खेमे टेक्निक लगाने का प्रयास किया था डेंजर में ले आने का, लेकिन बीच में इरादा बदल लिया। कई बार ऐसी टेक्निक लगाने में आप खुद डेंजर में फंस सकते हो, तो बजरंग ने एक झोंका दिया और वापस अपनी स्थिति में आ गए। बिल्कुल, पॉइंट लेने से बेहतर है पॉइंट ना देना, क्योंकि आप लीड में हैं। अटैक किया था मैकनील ने, लेकिन बजरंग ने उसको ध्वस्त किया है। क्या घूम के पीछे जा पाएंगे? ओ मैकनील के पास मौका है, टेक डाउन किया। यहां दो पॉइंट मैकनील ने लिए, खाता खोला, अब ये मैच खोलेगा, अब ये बाउट खोला है। बहुत ही जबरदस्त अटैक था मैकलियन का, कैनेडियन रेसलर। हार का अंतर थोड़ा कम किया है, बजरंग पुनिया को यहां पे सचेत रहना चाहिए। और उसके बाद डिफेंस बजरंग का पूरी तरह से, जैसे एक लिजर्ड छिपकली चारों लिंब चिपका लेती है दीवार पे, रेसलर भी दोनों हाथ पैर चिपका लेते हैं मैट पे ताकि ज्यादा पॉइंट ना दें, इसीलिए इसको लिजर्ड डिफेंस कहते हैं। यहां लेग अटैक, सिंगल लेग अटैक बजरंग का है, क्या गिरा के टेक डाउन बनवा पाएंगे? ये टंगड़ी लगाई, लेकिन पोजीशन क्या बाहर जाके एक पॉइंट मिलेगा? बिल्कुल एक मिलेगा, लेकिन यहां पर दो की भी मांग रहेगी, क्योंकि टेक डाउन किया और दो अंक यहां पर दिए हैं, बहुत ही बेहतरीन। बजरंग पुनिया को संतुष्टि नहीं है अभी भी, वो और अंक लेना चाहते हैं। मिचलेन की तारीफ करनी होगी कि दो अंक से उन्होंने खाता खोला इस कॉमनवेल्थ गेम्स में बजरंग के ऊपर। बिल्कुल, पहली बार बजरंग ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पॉइंट लूज किए हैं, अन्यथा पिछले तीनों मुकाबले उन्होंने बिना पॉइंट दिए जीते हैं। और संतुष्टि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैकनील कोशिश कर रहे हैं, उनके पास कोशिश करने के अलावा चारा भी नहीं है, और प्रतिभा दिखाई है मैकनील ने। फिर से लेग अटैक, बजरंग पुनिया फिर से डोमिनेंट पोजीशन में, क्या आ पाएंगे? हाँ जी, एक पैर है और ये टंगड़ी अड़ाने वाले हैं, ये बाहर जा रहे हैं। मैकनील कह रहे हैं कि मैं बाहर जाऊंगा तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, एक ले लीजिए, ज्यादा मत लीजिए पॉइंट। और बजरंग ने भी वैसा ही किया, उसकी बात का सम्मान रखा और सम्मान पूर्वक पवेलियन से बाहर यानी कि प्रोटेक्शन एरिया पे लाके खड़ा कर दिया, बोले ले भाई एक ही पॉइंट दे दे, क्योंकि 5 पॉइंट की लीड हो गई है, 1 मिनट का टाइम बाकी है। अगर आप अपने विरोधी को स्टैंडिंग पोजीशन में यानी खड़े खड़े उस ऑरेंज पट्टी से बाहर ले जाएं तो 1 अंक मिलता है, तो मैकनील ने वो 1 अंक दिया, ज्यादा पॉइंट लूज नहीं किए। और अगर उनको वापस आना है तो एक मजबूत ग्रिप बनानी पड़ेगी। क्या बजरंग यहां सिर्फ डिफेंस करके टाइम काटेंगे? मुझे ऐसा लगता नहीं है, मैकलिन जितना मचलाएंगे बजरंग पुनिया उतना ही प्रभाव दिखाएंगे और अंक अर्जित करेंगे। हालांकि अभी कुछ रह नहीं गया है, जितना अब कैनेडियन रेसलर अटैक कर रहे हैं, लगातार अटैक कर रहे हैं, लेकिन बजरंग पुनिया काउंटर अटैक पर ध्यान देखिए, कुश्ती का नजारा ही कुछ और है। ये नजारा अब गोल्ड मेडल में परिवर्तित होने वाला है प्रभु, छठा गोल्ड भारत की पहुंच में है, और बजरंग अभी तक लेग अटैक नहीं करने दे रहे मैकनील को। उल्टी गिनती शुरू कीजिए, कितने सेकंड बाकी हैं? 1-2 पॉइंट और बजरंग पुनिया को उस टेक डाउन के, 7 पॉइंट की लीड, 2 सेकंड से कम का टाइम बाकी, और छठा गोल्ड मेडल भारत का बजरंग पुनिया ने दिलवाया है, कुश्ती में दिलवाया है, रेसलिंग का पहला गोल्ड मेडल, मुबारक बजरंग। बिल्कुल, हम जैसी बात कर रहे थे, अंतिम सेकंड में भी बजरंग पॉइंट लेने से नहीं झुकेंगे, और बजरंग ने अपना नाम के अनुकूल अपना प्रभाव दिखाया है, स्वर्ण पदक जीता है, अपना स्वर्ण पदक डिफेंड कर लिया है बजरंग ने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में, भारत का 6ठा गोल्ड मेडल, 20वां टोटल मेडल भारत को मिल चुका है 65 किलोग्राम भार वर्ग में। बजरंग पुनिया भारत के लिए गोल्ड मेडल सुनिश्चित करने में कामयाब। गोल्ड कोस्ट में इन्होंने गोल्ड जीता था, और वहां भी 65 किलोग्राम में जीता था, और यहां भी 65 किलोग्राम वर्ग में लगातार 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में बजरंग पुनिया ने भारत को गोल्ड मेडल दिलवाए हैं, और बाकी सारे पहलवानों के लिए रास्ता खोला है कि मैंने गोल्ड जीता है, आइए आप भी बहती गंगा में हाथ धोइए। बिल्कुल, और किस तरह से गोल्ड जीता है, लगातार प्रभाव विपक्षी पहलवान पे दिखाते रहे, पैर को इतनी ऊपर उठाने के बाद भी कैनेडियन रेसलर नहीं गिर रहे थे, ये भी उनकी तारीफ करनी होगी। और ये देखिए, गोल्ड मेडल जीतने के बाद सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए
भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया। और कृपा भाई, अभी भारत नंबर 6 पे है मेडल्स टैली में, स्कॉटलैंड भारत से आगे है। अगर एक गोल्ड आज की रात और आ जाए तो भारत